नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। में पूजा, नगर निगम रीवा के द्वारा के स्पॉन कंपनी को शहर में सीवर लाइन बिछाने का ठेका दिया गया था। कंपनी सीवर लाइन का कार्य पूर्ण नहीं की बल्कि करोड़ों रुपए लेकर चंपत हो गई। कंपनी को राजनेताओं और अधिकारियों की साठगांठ से करोड़ों रुपए का भुगतान हो गया। अपनी कमी को छिपाने के लिए उक्त के स्पॉन कंपनी का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। पर यह जानकर आपको हैरानी होगी कि उक्त कंपनी को 48 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया गया है। वहीं नगर निगम के द्वारा कहा जा रहा है कि कंपनी की 36 करोड़ की जमा पूंजी को राजसात कर लिया गया है। आपको बता दें कि कंपनी ने जितने का काम नहीं किया है उससे कई ज्यादा गुना का भुगतान लेकर चली गई। नगर निगम के लेखाधिकारी इसे अपनी जीत बताते हैं, जबकि किसी भी साधारण व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि शहर में कितना कार्य हुआ है तो वह बता देगा। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एक बार पुनः विराट 24 की टीम ने शहर का भ्रमण किया, जहां 15 फीट गहरे गड्ढे मिले जहां कभी भी गंभीर घटना हो सकती है। पूरे शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है। वहीं अपने इस कारनामे को छिपाने के लिए शासन और प्रशासन के द्वारा कंपनी को टर्मिनेट किया गया। हालांकि इसके पहले भी विराट 24 टीम के द्वारा इनके कारनामों को उजागर किया गया था, जिसमें पर्दा डालते हुए नगर निगम के अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला ने कहा था कि उक्त कंपनी की जमा राशि राजसात कर ली गई है। जब हमने कंपनी को किए गए भुगतान के संबंध में जानकारी जुटाई तो ज्ञात हुआ कि उक्त कंपनी को 48 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया गया है, जिसे समेटकर कंपनी रफू चक्कर हो गई है। जिसे छिपाने के लिए नगर निगम अब टेंडर निरस्त की बात कह रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष और मीडिया के द्वारा के स्पॉन के द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की शुरू से ही आलोचना की जा रही थी और उसके गुणवत्तापूर्ण कार्यों की पोल खोली थी, लेकिन राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होने के चलते कंपनी को बचाने का प्रयास किया जाता रहा और अंत में वही हुआ। करोड़ों रुपए लेकर कंपनी चंपत हो गई। अब शहर के लोग उसके खोदे हुए गड्ढों में गिरने के लिए मजबूर हैं। अरे ये तो 15 फुट का है लगभग। ये ठेकेदार जो करवाए थे रोड का यहाँ पे, वो तो इनका टेंडर निकल गया, वो चले गए और ये गड्ढे को ऐसे ही खोल के चले गए हैं। 15 फुट का है ये? 15 फुट का गड्ढा है ये। और सड़क भी? सड़क में भी दो गड्ढे हैं आगे। कोई इसमें देखने वाला नहीं है, कोई वो नहीं करता। पार्षद से कोई मतलब ही नहीं। बीजेपी पार्टी के हैं, सब अपने अटल कुंज में बैठे रहते हैं, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं। सुना कि कई लोग गोड़ हाथ तोड़ चुके इस गड्ढे में? कई लोगों के एक्सीडेंट हो गए हैं। आए दिन रात में गिर जाते हैं, लाइट है नहीं यहाँ पे तो रात में कई गाड़ियाँ गिर जाती हैं, कई लोगों के हाथ और टूटे हैं, छोटे बच्चों के भी। क्या काम हुआ था इसका? सर ये जो सीवर वाला काम हुआ था, वो सीवर वाला है ये, इसमें गड्ढे का वो रह गया। वो लोग कंपनी चली गई है, अब खुला छोड़ गया जी, खुला छोड़ गया लोग। यही अगर ये देखा जाता किसी को मना कर रहे, तोड़ फोड़ रहे हैं, तो वही उल्टा सीधा बोलने, आप अपना काम करिए, आपसे क्या लेने देना। लोहे की जाली निकाल रहे? हाँ, यही जो जाली लगी हुई है यही काट रहे थे, तोड़ रहे थे, जो थोड़ा बचा हुआ है तो वो भी निकाल रहे थे, जो थोड़ा बच जाते रहे उसमें वो भी चले तोड़ ले जा रहे हैं। क्या बात? गड्ढा कितने फुट का है? 15 फीट तक का है लगभग। 15 फीट का गड्ढा। ये सीवर लाइन की गड्ढे हैं और इसमें कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। 10-10 फीट, 7-7 फीट के गड्ढे हैं और आम नागरिक के तो यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। मतलब निकलते में अंधेरा भी रहता है इधर? अरे तो कोई भी कभी भी कुछ अनहोनी हो सकती है, कोई बच्चा गिर जाए इसमें। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।